Hello Vajil, let's read the question. An ideal fluid flows through two pipes of circular cross section with diameters 2.5 cm and 3.75 cm connected one after another. The ratio of the velocities in the two pipes is okay. So एक ideal fluid हमारा flow करे through two pipes of circular cross section. इसके diameter आपको दे रखे 2.5 cm, दूसरे का diameter है 3.75 cm. जो pipes हैं वो connect हो रखे हैं ऐसे one after another. हमें ratio of the velocity निकालनी दो pipes में, ठीक है? तो पहले पाइप का जो डायमीटर आपको दे रखा है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं 2.5 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है. सेकेंड वाले पाइप का डायमीटर आपको दे रखा है 3.75 सेंटीमीटर, दैट इज 3.75 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन हम कंटिन्यूटी लिखा सकते हैं. ए वी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट, यानी कि हम बोल सकते हैं ए वन वी वन वुड बी इक्वल्स टू ए टू वी टू, यानी कि हम सकते हैं वी वन बाई वी टू वुड बी इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट पाइप क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई डी टू स्क्वायर बाई फोर, ठीक है. पाई आर स्क्वायर होगा एरिया क्रॉस सेक्शन, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हम लिख सकते हैं पाई डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय पाई डी वन स्क्वायर बाई फोर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रेशियो आ जाएगी डी टू बाय डी वन का स्क्वायर, ठीक है. तो वी वन बाई वी टू आ जाएगा डी टू बाई डी वन का स्क्वायर. डी टू की वैल्यू आपके पास है 3.75 × 10⁻², डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻²² का स्क्वायर, ठीक है. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे ये जाएगा आपका 1.5, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5 का स्क्वायर. 1.5 का आप लिख सकते हो 3/2 ऑल्सो, ठीक है. तो बेसिकली 3/2 का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं 9/4, ठीक है. तो हमारा जो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन टू पाइप्स क्या आ जाएगा 9/4, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.